प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिजल्ट और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, लॉजिक गुरु चैनल की तरफ से हम आपको यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसमें अभी आपकी पटवारी गई है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर गई है, अभी आपकी संविदा आने वाली है और अन्य कोई भी परीक्षा, जैसे आपकी राज्य लोक सेवा परीक्षा हो गई, आरक्षक वन आरक्षक, सभी के लिए हम आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करके देते हैं। ओके, अभी रिसेंट में जो आपकी एग्जाम आने वाली है वो है आपकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा और साथ में है आपकी संविदा की परीक्षा। ओके, और जनवरी फरवरी के आसपास ये आपकी आने वाली है आरक्षक की वापस से अगेन परीक्षा। तो उसी के लिए हमने आपके लिए कुछ वीडियो प्रिपेयर किए हैं, उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो आपको आसानी से बुक्स में नहीं मिलते हैं, और वो है आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। ओके, तो आज का हमारा वीडियो उसी के ऊपर है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्सनालिटीज में जिन्होंने क्या कहते भारत में या विश्व में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। ओके, तो आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की उन प्रमुख हस्तियों के बारे में। आइए, नंबर वन है, देखते हैं कि मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। ओके, तो नंबर वन है, ठीक है, नरेंद्र कर्माकर। ओके, ग्वालियर से हैं और प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। ओके, मध्य प्रदेश के ग्वालियर संबंधित हैं। दूसरे हम देखें तो ये थे अनिल काकोड़कर, जो बड़वानी से थे, ठीक है। इन्हें हम जानते हैं कैट वैज्ञानिक है, परमाणु वैज्ञानिक हैं, मध्य प्रदेश के कैट में भी काम कर चुके हैं, राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र में। और इनकी हम भूमिका देखें तो 1998 का जो आपका शक्ति परमाणु बम विस्फोट था, परमाणु बम परीक्षण था, उनमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ओके, और जो हिग्स बोसोन कण की खोज हुई थी, जो सर्न नाम के प्रयोगशाला में LHC में आपका स्विट्जरलैंड में जो प्रयोग हुआ था, वहाँ पे भी भारत की तरफ से जो कुछ चुनिंदा वैज्ञानिक गए थे उनमें हमारे अनिल काकोड़कर साहब का नाम था। ओके, तो परमाणु वैज्ञानिक है अनिल काकोड़कर साहब। ओके, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कौन है। तो नेक्स्ट में है चिकित्सा के क्षेत्र में। ओके, तो देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का नाम किन किन लोगों ने रोशन किया है। तो ये है नंबर वन आपके हकीम सैयद जिल्लुर रहमान। ओके, भोपाल से हैं और इनका क्षेत्र है यूनानी चिकित्सा। तो यूनानी चिकित्सा विद्वान है आपके हकीम सैयद जिल्लुर रहमान। ओके, पता ही आप लोगों को बुरहानपुर में एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखें हम लोग तो वह है केशवराव कृष्णराव दल्ले, ठीक है, ये हैं जबलपुर से संबंधित है और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। ओके, अगर इनके अलावा भी एक नाम और आप जोड़ना चाहें तो भक्ति यादव का भी जोड़ सकते हैं, जिनका अभी रिसेंट में निधन हुआ है। ओके, उनके नाम 1 लाख डिलीवरी कराने का रिकॉर्ड था, वो मध्य प्रदेश की पहली महिला गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो इंदौर से थी। ओके, तो ये थे हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड किसका है। नेक्स्ट स्लाइड है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीशों का, ठीक है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो भारत के मुख्य यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ठीक है ना। चले तो देखते हैं कौन कौन है। तो नंबर वन है JS वर्मा, ठीक है। अगर क्षेत्र देखा जाए तो कहाँ संबंधित थे, सतना से थे और ये देश के 27वें मुख्य न्यायाधीश थे, जो 97 से लेकर 98 तक रहे। ओके, मध्य देश के प्रमुख न्यायाधीश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और वो हैं आपके रमेश चंद्र लाहोटी, ठीक है, जिनका क्षेत्र था गुना और ये भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। अभी रिसेंट में ही आपके व्यापम के आयोजित होने वाले एग्जामों में इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनमें इनका नंबर भी आपसे पूछता है। तो भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश जो रहे, इनका कार्यकाल रहा 2004 से लेकर 2005 तक, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन कौन रह चुके हैं मध्य प्रदेश से। तो उनमें एक ही नाम है और वो हैं आपके रघुराम राजन, जो भोपाल से थे। ओके, और भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर के रूप में काम किया। अभी आप जानते ही होंगे उर्जित पटेल जो है वो 24वें गवर्नर हैं। इनके ऊपर भी क्वेश्चन अभी व्यापम की पटवारी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है व्यवसाय उद्यमी कौन है, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हैं, ठीक है, अभी निधन हुआ है इसलिए इनके ऊपर आने के क्वेश्चन की संभावना भी ज़्यादा है। ये है रमेश चंद्र अग्रवाल, जो है DB ग्रुप के चेयरमैन, ठीक है। तो इनका अभी निधन हुआ है, ये झांसी उत्तर प्रदेश से थे, लेकिन पूरा इनका कार्यस्थली आपका मध्य प्रदेश ही रहा और 1958 में भोपाल से इन्होंने दैनिक भास्कर अखबार की शुरुआत की थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, रमेश चंद्र अग्रवाल, झांसी उत्तर प्रदेश और दैनिक भास्कर ग्रुप, ओके, यानी कि DB ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन है। तो मध्य प्रदेश से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता मध्य प्रदेश से एक ही व्यक्ति हैं और वह श्री कैलाश सत्यार्थी जी, ठीक है। अगर क्षेत्र देखें तो इनका विदिशा से थे। ओके, ये बाल श्रम से संबंधित है, यानी कि बच्चों को विभिन्न फैक्ट्रियों वगैरह से क्या कहते हैं बाल श्रम से बचाना इनका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था और इनको 2014 के लिए शांति का नोबेल मिला था। ओके, मलाला यूसुफजई के साथ में, ठीक है। तो शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला है कैलाश सत्यार्थी जी को और ये हैं विदिशा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हैं आपके देखें और कौन से कलाकार हैं। तो नेक्स्ट कलाकार हैं आपके वाजिद खान, ठीक है।
जो है मंदसौर से, ये चित्रकार मूर्तिकार भी हैं, लेकिन इन्हें जाना जाता है नाखूनों के साथ, अपने नाखूनों के साथ कैनवास पर नक्काशी करते हैं, ठीक है। तो वाजिद खान मंदसौर से चित्रकार मूर्तिकार, सभी क्षेत्र में इनको कुशलता प्राप्त है। और अगर आप कलाकारों पर और हमारे आप डिटेल देखना चाहते हैं तो कलाकारों के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, जो आप नीचे हमारे लिंक पर जाके देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के कलाकारों के ऊपर, ओके, जिसमें हम संगीतज्ञ वगैरह और जो आपके अन्य कलाकार हैं उनकी हमने विशेष वीडियो बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं स्पेशली अलग से, ठीक है। तो अभी एक कलाकार में आप यहाँ नाम नोट कर लें, वाजिद खान, ठीक है। और बाकी के लिए हमारे आप नीचे लिंक पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी स्लाइड क्या है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कारीगर की, ठीक है। तो कारीगरी में हमारे पास फेमस हैं दो बंधु, वो है मोहम्मद यूसुफ खत्री और मोहम्मद बिलाल खत्री, ठीक है ना। ये दोनों बाघ प्रिंटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और क्षेत्र है आपका बाघ, जो कि धार जिले में स्थित है। तो मोहम्मद यूसुफ खत्री और मोहम्मद बिलाल खत्री, जिन्होंने बाघ प्रिंट को एक छोटे क्षेत्र से लेके तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कौन है। तो नेक्स्ट है पर्वतारोही। तो पर्वतारोही में एक नाम अभी बड़े चर्चित है, और वो है रत्नेश पांडे का, जो कि सतना से है। ये अभी न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय गान गाया था, जनगणमन गाया था, ओके। तो इनके ऊपर व्यापक में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। रत्नेश पांडे जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, और वो है सतना जिले से, ओके। कि दोस्तों, तो ये थे हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व पे, ओके। हम और भी आपको इस व्यक्तित्व के ऊपर, राजनीतिक के ऊपर, स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर वीडियो बनाते देते रहेंगे, तो आप प्लीज़ देखते रहिएगा, ओके। अब हमारी बारी है प्रतियोगिता के, जो लॉजिक क्वेश्चन की तरफ आप देख रहे होंगे, कॉम्पिटिशन, जब हम हर वीडियो में आपसे दो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, ठीक है, कि रघुराम राजन जो हैं वो कौन से क्रमांक के, यानी कि कौन भारतीय जो गवर्नर हैं वो कौन से नंबर के थे, ठीक है। तो उसमें आप उसका कार्यकाल भी आप नोट करके नीचे देंगे कमेंट बॉक्स में, ओके। तो नंबर वन हो गया क्वेश्चन आपका, रघुराम राजन का क्रम कौन से क्रम के गवर्नर हैं। और दूसरा है, रत्नेश पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है। तो इन दोनों का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में कर दें, और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ध्यान रखिए, प्लीज़ कमेंट करने के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ओके, वरना आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रकार क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ओके, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सारे वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं, इसलिए प्लीज़ नीचे दी हुई बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, ओके। थैंक यू।